राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन करते हुए घनघस खाप द्वारा सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। निकटवर्ती गांव धनाना में हुए सम्मेलन के बारे में राजसिंह घनघस ने बताया कि समाज में भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा व नशा आदि की कुरीतियों को खत्म करने के लिए कुल 11 मुद्दों पर एकमत से सहमति जताई गई है। समय के साथ हर समाज सहित पूरे देश में सामाजिक बुराइयां जन्म ले रही हैं, जिनके चलते न केवल व्यक्ति विशेष बल्कि पूरे के पूरे समाज और गांव बदनामी के साथ बर्बादी का शिकार हो जाते हैं। ऐसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए धनाना गांव में आयोजित घनघस खाप ने सराहनीय पहल की है। खाप के राष्ट्रीय महासम्मेलन में हरियाणा के साथ पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और यूपी से हजारों घनघसों ने भाग लिया। इस अवसर पर 16 IAS, IPS, HCS और गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को और बुजुर्गों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान घनघस खाप ने सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने की सराहनीय पहल की है। इस महासम्मेलन में दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, नशा खत्म करने और खेलों और शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ 11 मुद्दों पर सहमति जताई गई। खाप ने एक मत से कहा कि अगला सम्मेलन पंजाब में होगा और तब तक सभी मुद्दों को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। सम्मेलन के बारे में बताते हुए मास्टर राज सिंह घनघस ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन करने का उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को खत्म करके भाईचारे के साथ आगे बढ़ना है। सबसे पहला तो फैसला ये है कि युवाओं को नशा से दूर रखा जाए ताकि हमारे देश का भविष्य सुधर सके। दूसरा फैसला ये है कि दहेज कोई ना लेगा और ना कोई देगा। तीसरा फैसला ये है कि ब्याह शादी में जो ब्याद की जड़ है वो डीजे है, कोई किसी समारोह में गांव में डीजे का प्रयोग नहीं करेगा। इसके अलावा लड़कियों की शिक्षा पर बहुत जोर देना है, भ्रूण हत्या पर पाबंदी लगानी है और इस तरह से लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा हमने ये भी प्रस्ताव पास किया है कि मृत्यु बोध जो है ना वो बंद किया जाए और जो दाह संस्कार प्रक्रिया है उसमें सभी रिश्तेदारों को बुलाते हैं। हेलो, वो रिश्तेदार नहीं बुलाने चाहिए, जो जरूरी हो वही रिश्तेदार बुलाना चाहिए। और रस्म पगड़ी की प्रक्रिया जो है ना 13 दिन की बजाय 7 दिन में करनी चाहिए। आइए, हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि ये लागू होंगे, अब नहीं तो 2-6 महीने मतलब अगले सम्मेलन तक हम जो ये फैसले लिए हैं ये लागू करवा के रहेंगे। और अगर जो घनघस गोत्र का उसको लागू नहीं करेगा उसको हम पंचायती तौर पर सामाजिक और आर्थिक दंड देंगे।